हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं तुषार शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में भारतीय जनता पार्टी प्रीत विहार स्थित जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसको लेकर जिला अध्यक्ष उमेश राणा, जिला पंचायत अध्यक्ष अमृता कुमार, सदर विधायक विजयपाल आरती ने पत्रकारों को संबोधित किया। जिला अध्यक्ष उमेश राणा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि विपक्ष ने किसान विकास बिल को किसान विरोधी बिल बताया है, जो कि बिल्कुल निराधार है। यह बिल कांग्रेस अपने समय में लाना चाहती थी, परंतु त्रुटियां होने के कारण वह अपने ही शासनकाल में उसको पास नहीं करवा पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर गहनता से विचार करके उसकी कमियों को दूर किया और बिल को पास करवाया। जिला अध्यक्ष उमेश राणा का कहना है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, इसलिए भारत से किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, परंतु देश के किसान किसी भी दशा में भ्रमित नहीं होंगे। देखिए, जब 2014 में माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली, तो उनके पहले भाषण में और पहला जो कार्य किया उन्होंने किसानों से संबंधित किया। पहले दिन से वो किसान के लिए चिंतित हैं और ये बिल किसानों का जीवन स्तर सुधारने के लिए एक दूरगामी परिणाम लाने वाला है। अब चूंकि इतना अच्छा बिल केंद्र की सरकार लाई है और इस बिल में बहुत सारे सुझाव वो भी हैं जो कांग्रेस के समय कांग्रेस के नेताओं के द्वारा या विपक्षियों की सरकार के द्वारा दिए गए हैं, वो सुझाव भी शामिल हैं। लेकिन चूंकि विपक्ष के पास कुछ है नहीं, किसानों को भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम वो कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक जनप्रतिनिधि किसानों के बीच में जाएंगे और इस बिल से होने वाले लाभ किसानों को क्या है उसके बारे में बताएंगे। और निश्चित रूप से ये एक अपने आप में बहुत शानदार बिल है जिसका लाभ आने वाले समय में किसानों को मिलेगा। तो बीजेपी किसानों से जनसंपर्क अभियान कब से शुरू करने वाली है? कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। 1045 बूथ जो हमारे जनपद में है, उन प्रत्येक बूथ पर हमारे नेता, हमारे पदाधिकारीगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण जाएंगे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर पुष्पांजलि करने के बाद किसानों के बीच में इस बिल को लेकर के चर्चा करेंगे। किस सरकारी नौकरियों का मामला चल रहा है, उनका कहना है 5 साल संविदा पर रहेंगे, क्या बुरा मामला है वो? और मैं बार बार कह रहा हूँ, विपक्ष के पास भ्रम फैलाने के अलावा कुछ नहीं है। जो 5 साल संविदा वाला बार बार मुद्दा उठाया जा रहा है, वो कुछ है ही नहीं जमीन पर। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी भी उसका खंडन कर चुके हैं, हमारे नेता भी कर चुके हैं। कोई इस तरह की अभी तक कोई योजना उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं है। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष अमृता कुमार ने कहा कि पहले किसान मजबूर था अपने ही क्षेत्र में अपनी फसल को बेचने के लिए, जिस पर वह सामने वाले के दाम पर ही अपनी फसल को बेच पाता था, परंतु जिस प्रकार वन राशन वन नेशन प्रधानमंत्री ने जारी किया है, इसी प्रकार किसान पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत में अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है जहाँ उसे अच्छे दाम मिलेंगे। इस कारण किसान की आर्थिक उन्नति बहुत तेजी से हो पाएगी। देखिए, विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है, विपक्ष तो हंगामा करेगा ही। जब भी कोई अब तक बिल लाया गया, सब पे विपक्ष ने हंगामा किया और उसके बाद में उसके दूरगामी जो फायदे होते हैं वो जब नजर आते हैं तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि विपक्ष कह रहा है कि MFC निर्धारित नहीं गई, और जबकि हमारे जितने नेता हैं वो सब कह रहे हैं कि MSP निर्धारित की गई है, मिनिमम सेलिंग प्राइस रहेगा तो किसान को उसका फायदा होगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, और पहले से ज्यादा निर्धारित की गई है। अब किसान आजाद है, जहाँ चाहे वो अपनी अपनी पैदावार को वो बेच सकता है और उसको बीज के बिचौलियों से वो बच सकता है। सबसे बड़ी बात है कि बीज पे जो बिचौलिए होते थे उनसे वो बच के जो बिचौलियों की जेब में जाता था वो भी अब किसान के पास ही रहेगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।